तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग एंड वैष्णो माता की जय। तो हम लोगों ने ट्रिप शुरू कर दिया है। ये देखिए, हम लोगों को पर्ची मिल चुकी है और हम सब अब इस कड़कती धूप में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। सबसे पहला स्टॉप हमारा होगा पानगंगा। तो फाइनली माता वैष्णो माता के दर्शन का पर्ची मेरे हाथ में है एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी। रुद्रु बोलो जय माता दी। ले लो एक प्रसाद, ले लो एक प्रसाद, ले लो। तो अभी थोड़े ही आगे बढ़े हैं और साथ में मिली है हमें ये प्रसाद। देखिए सामने हमारे है ये पर्वत, माँ डंडे खरीद रही हैं। जय माता दी प्रेम से बोलो जय माता दी। गाइस ये पहुंच चुके हैं हम लोग मेन गेट के पास। यहाँ से अंदर जाएंगे और फिर पहुंचेंगे बाण गंगा। ये देखो मेरे पास हाथ में एक डंडा है, पीछे बस्ता है और चले जा रहे हैं माँ के पास। तो आइए मेरे साथ। और साथ में है मुन्नू दीदी। हाय मुन्नू दी, बोलो जय माता दी। यहाँ से अब हम लोग चेक कराएंगे जो पर्ची मिला था। तो सारा चेक पॉइंट कंप्लीट करके हम लोग अंदर आ चुके हैं और ये देखिए टी सीरीज भूषण कुमार का यहाँ पे कैसेट है और इधर लंगर चलाया जाता है। हम लोग बचपन में खाते थे, लंगर का रास्ता आ गया है, नीचे पूरा लंगर वगैरह है। तो यहाँ पे 24 घंटा भूषण कुमार का लंगर चलता रहता है। और ये हम लोग कुछ आगे जा रहे हैं रास्ते की तरफ और इस तरह का माहौल है, लोग आ रहे हैं दर्शन करके और हम लोग जा रहे हैं। ये बाथिंग घाट यहाँ से लगाया हुआ है, नीचे जाने का रास्ता इधर से। और ये यहाँ पे पहले तो पान गंगा के तौर पे यहाँ पे बहुत पानी बहता था और लोग वैसे सीढ़ियों पे नहाते थे, बट अभी क्या है खत्म हो गया, सिर्फ इस झाड़ से चल रहे हैं और पानी थोड़ी बहुत है उससे लोग नहा रहे हैं। गजब की गर्मी है भाई साहब, गजब की। चढ़ते चढ़ते वाट लगी हुई है। ये देखो ये है इंक्लाइनेशन, इधर से ऐसे जा करके फिर ये ऐसे चढ़ना है। मैं और मालिक दोनों साथ चल रहे हैं। ये अभी मालिक लेके जा रहे हैं, ये मैं लेके जा रहा हूँ। गला भी सूख रहा है, पसीने भी चल रहे हैं। देखिए घोड़े खच्चर से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और यहाँ पे कुछ नहाने का बात घाट भी बना हुआ है। गाइस जैसे जैसे ऊपर आप चढ़ते जाओगे चीजों के प्राइस बढ़ते जाएंगे। हमने अभी पानी बॉटल खरीदा, वो अपने को 25 में आया जो 20 MRP होती है। हालत खराब हो चुकी है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे ना वाट लगते जा रही है। क्या मनोदी, हाउस द जोश? हाय सर, बहुत स्लो बोल रही हो। हाय सर। नीचे से अभी ज्यादा नहीं 6.5 किलोमीटर हम लोग ऊपर चढ़े हैं और यहाँ पे अभी हम लोग फल फूल खाएंगे। ये बैग जो मैं लेके चल रहा हूँ इसके अंदर बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो मुन्नू दी ने डाल के रखा है। हम लोग तो स्लोप वाले से स्लोप करते हुए आ रहे हैं लेकिन ये मुन्नू दी और लोग जो है ये लोग सीढ़ी से चल के आ रहे हैं, इसकी वजह से इनके कमर में भी दर्द हो गया। धीरे धीरे ही चलो मगर स्लोप से चलो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुन्नू दी अपना सामान निकाली तो ये गौ देवता आ गए हैं। 3-3 ककड़ी दे चुके हैं लेकिन अभी इनको और चाहिए। तो गाइस इस समय दोपहर के 2 बज रहे हैं और हम लोग पहुंचे हैं प्रथम दर्शन मंदिर, चरण पादुका के मंदिर के पास। अभी यहां पहुंचे हैं, दर्शन हो गया, अब यहां से आगे चलते हैं। ये देखिए सीढ़ियों का रास्ता ये है जो सीधे सीधे यहां आके मिलती है। इस रास्ते से आ रहे हैं, इस रास्ते जाना है और यहीं से सीढ़ी भी जाती है। यहां से सीढ़ियों की संख्या 360 है और हृदय रोगी कृपया इस पे ना चढ़े। एक बार की बात है जब मैं और पिताजी आए थे ना, बारिश हो रही थी और ऐसे ही किसी शेड में हम लोग बैठ करके पूरी रात गुजारा था हमने। जय माता दी, आवाज नहीं आई, जोर से बोलो, बोलो सच्चे दरबार की। ये लड़का अलग लेवल का है, इसे मैंने बोला देख कोल्ड ड्रिंक दे मेरे को पीने के लिए, पूरा इसने मुंह में लगा लिया। मुन्नू दी का ये जो पेट के मोटरी पीठ वाला सीन है ना, ये बहुत ज्यादा हैवी हो रहा है हम सब के लिए। अभी जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं वो उसके अंदर फल वगैरह रखे हैं, खाने में तो बहुत मजा आता है मगर उसको ले जाने में बहुत ज्यादा हार्ड टास्क है हमारे लिए। राहुल जी और मैं स्वाइप कर करके ले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा अच्छी बात ये है कि रुद्र अभी तक पैदल चल के आ रहा है नीचे से। 10 रुपए फ्री मसाज, 10 रुपए फ्री मसाज, जो भी दर्शनार्थी जा रहे हैं उसको सिर्फ 10 रुपए में फ्री मसाज मिलेगा। गाइस हम में से बेचारे राहुल जी, ओ ओ देखिए मालिक, दिल्ली पुलिस सदैव आपकी सेवा में। इतना भारी बेचारा, तो मैं भी तो उठा के ला रहा हूँ, ऐसा थोड़ी कि अकेले ला रहे हैं। इसमें तो मोदी जी का मीम लगाऊंगा मैं, क्या नजारा है। असली चीज तो मुन्नू दी अभी निकाली है जा करके, देख रहे हैं अंगूर सेब, क्या बात है मुन्नू दी। जब मैं ऊपर चढ़ रहा था बैग लेकर स्टार्टिंग में, तब हार्ट बीट ज्यादा बढ़ गया था ना,
उस समय तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी जब तुम ये दे रही हो तो बहुत प्यार आ रहा है। एनर्जी आ गया है रुद्रु के अंदर। अब फुल ऑन एनर्जी के साथ रुद्रु, हाउ इज द जोश रुद्रु? अभी क्या है ना, इधर से इंक्लाइनेशन बहुत ज्यादा है, तो मालिक, ये बाबू, ये सब लोग उल्टा चढ़ रहे हैं। लोग पूछते थे कि ऐसा उल्टा क्यों जा रहे हो, मैं बोलता था मन्नत है, मन्नत है। उसके बाद और भी लोग उल्टा चढ़ने लगे थे। क्यों, फायर है तू? चार घंटे 20 मिनट से हम लोग चल के आ रहे हैं, 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुके हैं इस रास्ते से आके, और फिलहाल पहुंचे हैं यहाँ पे। थोड़ा चाय कॉफी वगैरह हो रहा है, और यहाँ से कुछ ऐसा नजारा है, ये देखिए क्या सुंदर सा खूबसूरत सा ये पहाड़ दिख रहा है। ये है रेलवे स्टेशन, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था अपना वॉच। इन सीढ़ियों से भी आ सकते हो या ऐसे घूम के भी आ सकते हो। नजारा देखो कितना खूबसूरत सा लग रहा है, सूरज है एकदम टॉप पे है, लेकिन गर्मी उतनी ज्यादा नहीं लग रही है। प्रोबेबली इसलिए क्योंकि अभी हमारे सर पे ना कुछ और भी जुनून बाकी है, तो इसलिए सूरज भगवान की जो गर्मी है वो हमको ज्यादा इफेक्ट कर नहीं रही। This is the beauty of Jammu and Kashmir. तो हम पहुंच चुके हैं अर्धकुमारी के पास, उससे थोड़ा नीचे हैं। यहाँ दो रास्ते हैं, एक ये रास्ते जाते हैं और एक ये रास्ते जाते हैं। इधर का रास्ता बहुत इजी है, 5.5 किलोमीटर है, और जिसका नाम है हीमकोठी। और इधर का रास्ता है जिसका डिस्टेंस है 6.5 किलोमीटर, और इसका नाम है हाथी मत्था। लेकिन क्या है, हीमकोठी से जाने के टाइम पे आपको अर्धकुमारी मंदिर का दर्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोगों ने डिफिकल्ट रास्ता लिया है, और हम लोग जा रहे हैं सीधे यहाँ से अर्धकुमारी। वहाँ पे इस समय नाम लिखवाएंगे, इस समय तो दर्शन हो नहीं पाएगा। उसके बाद जब ऊपर से दर्शन करके नीचे आने लग जाएंगे, तब जाके दर्शन होगा हमारा अर्धकुमारी का। तो ये एक चेक पोस्ट मिल गया है, यहाँ पे चेक कराएंगे, उसके बाद आगे उस वाले रास्ते से हम लोग आगे जाएंगे। व्यू तो क्या कड़ाके का है मेरे पीछे, मैंने अभी यहाँ से 360 पूरा लिया है। आप ये देखिए कितना ही शानदार ज़बरदस्त, और बारिश के टाइम पे जब मैं आया था उस समय तो ये और भी ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। फिलहाल मैं पहुँचने वाला हूँ अर्धकुमारी मंदिर के पास, बस 5-10 कदम और रह गए। वो सामने जो आपको दिख रहा है वही है अर्धकुमारी। बाप रे बाप, कितनी भीड़ है यार यहाँ पे अर्धकुमारी में, दुनिया भर के लोग यहाँ पे भरे पड़े हैं गाइस। आज नवरात्रि है, इसकी वजह से यहाँ पे भीड़ बहुत ही ज्यादा है, और ऊपर तो भाई इससे भी ज्यादा होगी। एक तरफ तो ये खूबसूरत वादी जिसको देख के मन मोहित हो रहा है, और दूसरी तरफ ये भयानक सा भीड़। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यही है माता का मंदिर। हम लोग अभी यहाँ पे रुकेंगे और जाएंगे पर्ची कटवा के, उसके बाद आगे निकलेंगे। मैंने लिया है, मेरा 422 नंबर है। प्रोबेबली 24 घंटे का वेटिंग है, मतलब इस समय शाम के 6 बज रहे हैं, तो अगले दिन कल शाम के 6 बजे तक के ये दर्शन पॉसिबल हो पाएगा, और हम लोगों की ट्रेन है रात में 9 बजे। जब भी मैं आता हूँ वैष्णो देवी, पता नहीं क्यों यहाँ पे अर्धकुमारी का दर्शन हो ही नहीं पाता। तो अभी रुद्रु मेरे पैर पे चढ़ के और सेवा कर रहा है मेरा, कह रहा है मामा आप बहुत थक गए हो, मैं आपकी सेवा कर देता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। अरे बैलेंस बना के, और देखिए बाकी सभी लोग यहाँ पे पस्त पड़े हुए हैं। अर्धकुमारी में आके हम लोग बैठे हैं, थोड़ा खाना वगैरह खा लेंगे, उसके बाद आगे के लिए निकलेंगे।